जमाचारम के इल्म मज़मून इल्म रियाज़ी के सबक नंबर 4 तफरीक का अमल सीखेंगे। प्यारे बच्चों और सरपरस्त हज़रात, जैसा कि हमने जमात सुबह में तफरीक का अमल की 3 हिंदसी एदाद की मिसालें हल किए थे, आइए आज उसका इयादा करते हैं। अमीन के पास दो सौ सात बीज हैं और मामून के पास 165 बीज हैं। तो बताइए कि अमीन के पास मामून से कितने ज्यादा है? ठीक है, मामून से कितने बीज ज्यादा है? देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है इबादती मिसाल लिखी हुई है, इसके जरिए हम 3 हिंदसी एदाद की तफरीक का अमल सीखेंगे कि जो है यहाँ पर अमीन दिया हुआ है, अमीन के पास 207 बीज है और मामून के पास 165 बीज है। तो बताइए कि अमीन के पास मामून से कितने बीज ज्यादा है? इस अमल को करने इसका जवाब मालूम हासिल करने के लिए हमें क्या करना होगा? अमीन के बीज में से मामून के बीज जो है तफरीक करना होगा, तब जाके हमारा जवाब आएगा कि अमीन के पास मामून से कितने भी ज्यादा है। आइए हम इसे हल करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखी हूँ 207 तफरीक 165। क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब 7 इकाई में से 5 इकाई तफरीक करेंगे, बचेगा 2 इकाई। दहाई के खाने में 0 है, 0 में से 6 तफरीक नहीं होगा, इसीलिए हमें सैकड़े के खाने से 1 खोलना होगा, यानी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 लेंगे हम, 1 सैकड़ा लेंगे, बचेगा 1 सैकड़ा। यहाँ पर 1 सैकड़े में 10 दहाई होती है, हम यहाँ दहाई के खाने में 10 लिखेंगे, 10 दहाई में से 6 दहाई तफरीक करेंगे, बचेगा 4 दहाई। अब यहाँ पर एक सैकड़े में से 1 सैकड़ा तफरीक करेंगे, बचेगा 0, यानी हमारा जवाब आ गया 42, यानी कि अमीन के पास मामून से 42 भी ज्यादा है। देखिए अमीन के पास मामून से 42 बीज ज्यादा है। ठीक है बच्चों, मोहतरम सरपरस्त हजरात और प्यारे बच्चों, अब आइए हम एक और इबारती मिसाल के जरिए तीन हिंदसी एदाद की तफरीक का अमल सीखेंगे। मिसाल नंबर 1, जंगल में सागवान के 452 दरख्त है और नीम के 321 दरख्त है, तब सागवान के दरख्तों की मसावी तादाद में लाने के लिए हमें नीम के और कितने दरख्त
बार की मिसाल लिखी हूँ, इसे हम पहले पढ़ेंगे। एक जंगल में सागवान के 452 दरख्त हैं और नीम के 321 दरख्त हैं। तब सागवान के दरख्तों की मसावी तादाद में लाने के लिए हमें नीम के और कितने दरख्त लगाने होंगे? तो बेटा इसे हमें हल करने के लिए क्या करना होगा, हमें जो है यहाँ पर जो है 321 के आगे से हमें 452 तक गिनना होगा, या फिर जो है 452 में से हमें 321 तफरीक करने होंगे। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पर हमने लिखे 452 तफरीक 321। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इकाई, दहाई और सैकड़ा, यहाँ पर हम करेंगे एक में दो में से एक तफरीक किए बचा, दो इकाई में से एक इकाई तफरीक करे बचा एक, इसी तरीके से पांच दहाई में से दो तफरीक करे बचा तीन, इसी तरीके से चार सैकड़े में से तीन सैकड़ा तफरीक करे बचा एक, यानी हमारा जवाब आ गया 131। यानी सागवान के दरख्त जो है नीम के दरख्तों से 131 ज्यादा है, यानी हमें नीम के दरख्त 131 लगाने होंगे, तब दोनों की तादाद क्या हो जाएगी, मसावी हो जाएगी। देखिए बच्चों जवाब आया, हमें नीम के 131 दरख्त लगाने